हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिक टेक सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में देखेंगे जानेंगे 4UA MCU बॉक्स, जैसे डिस्ट्रीब्यूट बॉक्स DB के नाम से जाना जाता है, और इसके अंदर एक आइसोलेटर और दो SP मतलब दो सिंगल पोल MCU लगा करके किस तरह से कनेक्शन करते हैं, पूरा A to Z इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। सो फ्रेंड्स, मेरा वायरिंग कंप्लीट हो गया है और जितना भी मेंस है सभी मेंस मैंने डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में लेके आ गया है, और जैसे मैंने दो रूम वायरिंग किया है, दो रूम का दो मेन लेके आ गया है मतलब दो सर्किट लेके आ गया है डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और हर सर्किट में है आपका फेज न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थिंग है, और इसमें तार यूज़ किया गया है, जितना भी मेंस है इसमें तार यूज़ किया गया है 2.5 फेज न्यूट्रल में यूज़ किया गया है 2.5, और इन्वर्टर में यूज़ किया गया है 1.5, और अर्थिंग में यूज़ किया गया है 0.75 से। देख सकते हैं हर सर्किट में आपका फेज न्यूट्रल इन्वर्टर अर्थिंग सेम टू सेम, इसमें ब्लू कलर का है फेस, ब्लैक कलर का न्यूट्रल है, और येलो कलर का इन्वर्टर और ब्लैक कलर का अर्थिंग है, और ये है एक पॉइंट का वायर, जैसे न्यूट्रल लग जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, न्यूट्रल का लिंक पे लग जाएगा न्यूट्रल, और ये एक येलो कलर का पॉइंट का तार, जैसे देख सकते हैं ये होल्डर का पॉइंट है और ये इसका तार है, और एक वायर लेके आया है मैं पॉइंट के लिए, और दोनों के साथ प्लस हो जाएगा। देख सकते हैं आप नीचे एक येलो कलर का वायर है, हाँ, और दोनों के साथ प्लस हो जाएगा और टेप लग जाएगा। देख सकते हैं ये और एक सर्किट है, जैसे ब्लू कलर का फेज है, ब्लैक कलर का न्यूट्रल और येलो कलर का इन्वर्टर, और ये है आपका मीटर बॉक्स से आया है फेज न्यूट्रल, और इन्वर्टर बॉक्स से आया है आपका इन्वर्टर, और येलो कलर का एक है अर्थिंग। बस अभी क्या करेंगे फ्रेंड्स, अभी 32 का एक आइसोलेटर लगाएंगे, जैसे देख सकते हैं हेबल्स का आइसोलेटर है 32 एम्पियर का है, उसको लगाएंगे डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में, और दो MCU लगाएंगे जो कि 16 एम्पियर का है, देख सकते हैं ये आइसोलेटर लगा लिया मैंने, और दो MCU लगाएंगे और 16 एम्पियर का है, दोनों MCU दोनों को लगाएंगे इस पर निकाल के, दोनों को लगाएंगे, ये 16 एम्पियर का है, इसको यहीं पे लगा दिया, और देख सकते हैं और एक है आपका, इसको भी लगा देंगे, दो MCU लगाया और एक आइसोलेटर लगाया, ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से टाइट कर देना है। अभी क्या करेंगे, जितना भी अर्थिंग है देख सकते कोने में अर्थिंग वाला एक लिंक है, अर्थिंग वाला लिंक पे जितना भी अर्थिंग है सबको इससे निकाल देंगे, अर्थिंग निकालेंगे, देख सकते हैं एक अर्थिंग मैंने निकाल दिया, और दूसरा भी अर्थिंग निकाल देंगे, जितना भी अर्थिंग है सभी अर्थिंग वाला लिंक पे लिंक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, ये अर्थिंग का वायर है जो ब्लैक कलर का है, जो कि 0.75 से दिया है मैंने, 0.75 से यूज़ किया है, और दोनों कॉमन कर देंगे, दो रूम है जैसे मैंने दो रूम से दो अर्थिंग लेके आया है, दोनों को कॉमन करके जो अर्थिंग का लिंक है इस पर लिंक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इस पर लिंक कर देंगे, इस पर लिंक कर देंगे, इस पर लिंक कर दिया। अभी ये देख सकते हैं मेन का अर्थिंग है, जो कि मैंने मीटर बॉक्स के पास से लेके आया है मेन अर्थिंग, इसको भी अच्छे से ट्विस्ट करके अर्थिंग वाला लिंक पे लिंक कर देंगे, आराम से करना है, टेस्टर के मदद से लूज करके आप आराम से उसको लिंक कर देना है। सो देख सकते हैं लिंक हो गया है अर्थिंग वाला वायर, सभी लिंक हो गया अर्थिंग का लिंक पे, वो जितना भी न्यूट्रल है सभी न्यूट्रल निकाल के एक साइज करके सभी आउट न्यूट्रल को, न्यूट्रल वाला जो लिंक है इस पर लिंक कर देंगे, सभी को एक एक करके निकाल देंगे। आप ये देख सकते हैं एक पॉइंट का न्यूट्रल है, जैसे न्यूट्रल का लिंक है, या न्यूट्रल का लिंक है, सभी जितना भी न्यूट्रल है सभी इस पर लिंक कर देंगे, सभी न्यूट्रल को न्यूट्रल वाला लिंक पे लिंक कर देंगे, जितना भी न्यूट्रल है सभी न्यूट्रल वाला लिंक पे लिंक कर दिया। अभी क्या करेंगे, जितना भी इन्वर्टर का वायर है सभी इन्वर्टर का वायर को एक साथ प्लस कर देंगे, और इन्वर्टर का जो मेन है इसके साथ उसको ट्विस्ट कर लेंगे, ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इन्वर्टर वायर है, तीन इन्वर्टर वायर है, ये इन्वर्टर का मेन है, इसके साथ प्लस कर देंगे, सभी तार को एक साइज करके काट कर लेंगे, और सभी को अंदर का तार निकाल के
और इन्वर्टर का जो मेन है इसके साथ प्लस कर देंगे। सेट टू कर लेना है और ये इन्वर्टर का मेन इसके साथ प्लस कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, मार्क किया है मैंने रेड कलर का टेप से, ये इन्वर्टर का मेन है, इसके साथ ट्विस्ट कर लेना है। उसको ट्विस्ट कर लिया मैंने और टेप लेके टेप कर देंगे, अच्छे से टेप करना है फ्रेंड्स, पूरा टेप कर देंगे। अच्छे से टेप कर लिया उसको, अभी साइड में कर देंगे, बॉक्स की साइड में कर देंगे। अभी दो वायर रह गया है येलो कलर का, जो कि पॉइंट का दो वायर है, दोनों को अच्छे से अंदर का वायर निकाल के ट्विस्ट करके टेप कर देंगे और टेप करके उसको साइड में कर देंगे। देख सकते हैं पॉइंट के वायर को हमें टेप कर दिया और उसको साइड में कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अभी रह गया हमारा मेन फेस, जो कि मेन बोर्ड से आया है फेज है, और सभी फेजेस को हमारा जो एमसीबी है, एमसीबी का आउटपुट में लिंक कर देना है फ्रेंड्स। सभी को एक साइज करके काट करके एमसीबी का जो आउटपुट है इस पर एक एक करके लिंक कर देना है। तो अच्छे से अंदर का वायर निकाल देना है, इसके बाद अच्छे से ट्विस्ट करके उसको अंदर का वायर निकाल देना है। से दो रूम का मैं एक एमसीबी दूंगा, दो रूम का मैं एक एमसीबी दूंगा, क्योंकि मेरा एमसीबी 16 एम्पियर का है, काफ़ी ज़्यादा एम्पियर है, 16 एम्पियर है, और इसलिए दो रूम आराम से इसमें हो जाएगा, कवर हो जाएगा, इसलिए दो रूम का मैं एक एमसीबी दूंगा। और एक बोर्ड है, इसमें बाथरूम का भी है, गीज़र भी है, इसको मैं एक एमसीबी में दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से उसको लिंक कर दिया मैंने, और एक रह गया मेरा फेस, इसको एक एमसीबी में मैं लिंक कर दूंगा अच्छे से, उसको और एक एमसीबी का आउटपुट में लिंक कर देंगे। देख सकते हैं दोनों को मैंने लिंक कर दिया, अच्छे से लिंक कर दिया फ्रेंड्स। हमारा एमसीबी कनेक्शन हो गया, अभी क्या करेंगे, जो मीटर से मेन फेज न्यूट्रल आया है दोनों को आइसोलेटर के नीचे लिंक कर देंगे, मतलब इनपुट में लिंक कर देंगे फेज न्यूट्रल को। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें फेज लगाएंगे आइसोलेटर के नीचे जो लिंक है, एक में लगाएंगे फेज, एक में लगाएंगे न्यूट्रल, अच्छे से ट्विस्ट करके इस पर लगा देना है। ये है आइसोलेटर की इनपुट है, तो इनपुट में फेज को हम लिंक कर देंगे। अभी क्या करेंगे, आइसोलेटर के दूसरे साइड में न्यूट्रल लिंक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर लिंक कर देंगे न्यूट्रल। अभी जैसे मैंने आइसोलेटर की एक साइड में मैंने फेज दिया है, ऐसे सेम टू सेम जिस साइड में फेज दिया है इसी साइड के ऊपर से आउटपुट निकालना है, मतलब फेज आउटपुट निकालना है। अभी समझिए मैं न्यूट्रल लगाऊंगा, जहाँ पे जिस लिंक पे मैं न्यूट्रल लगाऊंगा ठीक इसके ऊपर से आउटपुट निकालूंगा, न्यूट्रल की आउटपुट निकालूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, अभी इसमें क्या कर देंगे, न्यूट्रल जो है इस पर लिंक कर देंगे, सेम टू सेम जैसे फेज न्यूट्रल में लगाया है आइसोलेटर में, जिस साइड में फेज लगाया है इसी साइड के ऊपर से आउटपुट निकालूंगा फेज को, और जैसे जिस साइड में मैं न्यूट्रल लिंक किया है इसी साइड की ऊपर से मैं आउटपुट निकालूंगा न्यूट्रल की। ठीक है फ्रेंड्स, अभी ये लग गया, अभी आउटपुट निकालेंगे, करेंगे आइसोलेटर की ऊपर से एक वायर लिंक करेंगे, जो आउटपुट निकालेंगे फेज आउटपुट निकाल के एमसीबी का जो नीचे है, नीचे दोनों एमसीबी में लिंक कर देंगे, क्योंकि जब आइसोलेटर ऑन करेंगे तब आउटपुट निकल जाएगा और आउटपुट आके एमसीबी का जो नीचे का हिस्सा है लिंक है इस पर लिंक कर देंगे, मतलब इस पर फेज मिल जाएगा, और जब एमसीबी ऑन करेंगे तो अपने रूम पे करंट चला जाएगा। अब इससे इसे आउटपुट निकाल देंगे, निकाल के दे देंगे। अभी हमारा फेज न्यूट्रल आइसोलेटर के नीचे है, जब आइसोलेटर को ऑन करेंगे तो आउटपुट मिल जाएगा, और एक तार लिंक कर देंगे एमसीबी के नीचे और इसमें फेज मिल जाएगा। अब देख सकते हैं एक वायर इससे नीचे लिंक कर देंगे, और ये न्यूट्रल
अपनी लीटर वाला लिंक पे लिंक कर देंगे, तब आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब एक बार जिसे इस पे लिंक कर दूंगा मैं, आइसोलेटर के ऊपर से एक वायर लिंक कर देंगे, हमारा जो दो MCB आया है MCB के नीचे लिंक कर देंगे। तब जब आइसोलेटर ऑन करेंगे तब इसमें फेज मतलब आउटपुट में फेज आ जाएगा, और फेज आके हमारा जो दोनों MCB है MCB के नीचे में फेज इनपुट हो जाएगा, और जब MCB ऑन करेंगे तब MCB से आउटपुट निकल जाएगा अपने रूम में। ठीक है फ्रेंड्स, नीचे लिंक कर देंगे, अच्छे से ट्विच करना है, ट्विच करके MCB के नीचे में लिंक कर दूंगा, देख सकते हैं अच्छे से इस पर लिंक कर देना है, एक एक करके दोनों में मैं लिंक कर दूंगा। दूसरे भी सेम टू सेम लिंक कर देंगे, समझिए आइसोलेटर से आके दोनों में फेज इनपुट हो जाएगा और MCB से फेज आउटपुट हो जाएगा, इस तरह कनेक्शन कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से उसको लिंक कर देना है MCB के नीचे। और एक बार समझाऊंगा आपको, जैसे आइसोलेटर ऑन कर दिया, फेज आके हमारा दोनों MCB के नीचे लिंक हो गया, मतलब अपना फेज MCB के नीचे इनपुट हो गया। अभी देख सकते हैं फेज इससे MCB के नीचे इनपुट हो गया, अब जब MCB ऑन करेंगे तब MCB के ऊपर से आउटपुट निकल जाएगा। अभी आइसोलेटर के ऊपर से जो हमारा न्यूट्रल है, न्यूट्रल वाला आउटपुट निकाल के न्यूट्रल वाला लिंक पर लगा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक वायर लेंगे 2.5 mm का, और फर्स्ट आइसोलेटर के जो ऊपर की लिंक से आउटपुट लेंगे, न्यूट्रल का आउटपुट लेंगे, और इसका नीचे लग गया आपका जो न्यूट्रल है, इन न्यूट्रल इनपुट हो गया, और इसके ऊपर से न्यूट्रल का आउटपुट निकाल के न्यूट्रल वाला जो लिंक है इस पर लिंक कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से उसको लिंक कर दिया मैंने, देख सकते हैं आउटपुट निकाल के मैं न्यूट्रल वाला लिंक पे लिंक कर दिया, जैसे आउटपुट मिल गया न्यूट्रल का, और हमारा फेस आइसोलेटर के ऊपर से MCB का नीचे इनपुट हो गया, देख सकते हैं फ्रेंड्स हमारा। सो फ्रेंड्स, हमारा डिस्ट्रीब्यूशन कनेक्शन कम्प्लीट हो चुका है, और एक बार चेक कर लेंगे हमारा कनेक्शन सही है या गलत, और पावर दे के एक बार चेक कर लेंगे, और बोर्ड में भी चेक कर लेंगे हमारा फेज आया या नहीं, मतलब पावर आया है या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी चेक कर लेंगे एक बार। फ्रेंड्स पावर दे दिया मैंने, देख सकते हैं आइसोलेटर के नीचे पावर आ गए, और आइसोलेटर को ऑन करेंगे अभी, देख सकते हैं आउटपुट में पावर मिल गया, अभी देख सकते हैं MCB के नीचे भी पावर मिल गया, अब जब MCB को ऑन करेंगे तब आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है, देख सकते हैं दोनों MCB को ऑन कर दिया मैंने, और एक बार हमारा रूम में चेक कर, MCB ऑन कर दिया, और एक बार रूम में जाकर चेक कर लेंगे। जैसे मैंने रूम में आ गया, और एक बार बोर्ड को चेक कर लेंगे, देख सकते हैं हमारा बोर्ड में पावर आ चुका है, देख सकते हैं टेस्टर ब्लिंक हो रहा है, रेड लाइट ब्लिंक हो रहा है, मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है फ्रेंड्स। और एक बार मतलब लाइट को भी ऑन करके एक बार टेस्ट कर लेंगे, और आपको दिखाएंगे हमारा कनेक्शन ओके या नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, देख सकते हैं स्विच को ऑन कर दिया, देख सकते हैं लाइट आ गया, देख सकते हैं लाइट आ गया, मतलब हमारा कनेक्शन बिल्कुल ओके है फ्रेंड्स। सो फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल से आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करना ना भूले फ्रेंड्स, और मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में।